हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है। तो गाइस देखिएगा, ओके, यस। सबसे पहले लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया है कि वो 2 स्लाइड्स बनाएगा, किसके लिए? चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। अभी आगे की बात करते हैं। आगे लिखा है फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव स्लाइड्स हुज टॉप इज एट अ हाइट 1.5 मीटर। तो कहता है कि वो बच्चे जो इनकी हाइट एक्चुअल में क्या है, जिनकी एज एक्चुअल में क्या है, 5 ईयर से कम है, उनके लिए जो स्लाइड बनाई जाएगी उनकी हाइट कितनी रहेगी, जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है 1.5 मीटर रहने वाले हैं। एंड इज 80 डिग्री, तो ये दिख रहा है आपको एंगल 30 डिग्री पे क्या वो इंक्लाइन करेगा टू द ग्राउंड, ये दिख रहा है आपको, ये टू द ग्राउंड है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रंस शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप साइड्स एट अ साइड एट अ हाइट 3 मीटर। तो कहता है कि अगर हम एल्डर चिल्ड्रंस की बात करें तो उसमें जो ये आपने दिखा है यहाँ पे 1.5 मीटर है, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए क्या रखा जाएगा, 3 मीटर रखा जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और इसका जो एंगल इंक्लाइन कर रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। तो जो दूसरा बनेगा स्लाइड, 2 स्लाइड्स बनाई जा रही ना, एक एल्डर के लिए और एक एक्चुअल में जो है छोटे बच्चे जो बिलो 5 ईयर्स है उनके लिए रखा है, ठीक है। तो उसमें ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना गाइस हो जाएगा, 60 डिग्री रहेगा। सो पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो पूछा है ये जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है, ये दिख रहा है, ये स्लाइड जो है उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए हर दोनों केस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए दूसरी जो है, हम एक्चुअल में दूसरी फिगर को भी देख लेते हैं गाइस। तो देखिए ये दूसरी फिगर है, ये दिख रहा है, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी सेकेंड स्लाइड जो बनानी है अपने एल्डर स्टूडेंट्स सॉरी चिल्ड्रंस के लिए, तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसमें देखिए ये हाइट जो हमें रखनी है वो कितनी है, 3 मीटर हाई रखनी है, और जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। और हमें क्या करना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जो है थोड़ा सा सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन करना कैसे है। तो सबसे पहले अपनी फिगर पर आते हैं वापस, ठीक है। अच्छा, ओके, तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है। सबसे पहला आपको मैं हर बार कहती हूँ कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो एच, ठीक है, निकालना क्या है हमें एच निकालना है ना। तो अगर हमें h निकालना है गाइस, ये h निकालना है, तो देखिए दिया क्या है, परपेंडिकुलर दिया है, h निकालना है, तो इसका मतलब मैं क्या लगा सकती हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लूँ, ठीक है ना, साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनस, यही होगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है गाइस, ये आ रहा है आपके पास 1.5, ठीक है। और अगर मैं हाइपोटेनस की बात करूँ वो तो मुझे निकालना है ना। तो साइन थीटा मतलब एंगल कितना लेना पड़ा, 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा इस, ये आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज़ 1/2 आएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1.5 और साथ में एच आ जाएगा। ये 1.5 है, मैं इसको इरेज करके दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। ये कितना अपने पास है, 1.5, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस h को यहाँ पे लेके जाइए गाइस और 2 को यहाँ पे लेके जाइए, तो कितना हो जाएगा, h यहाँ पर आ जाएगा और जो है 2 × 1.5, कितना आ जाएगा, 2 × 1.5 गाइस, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। तो जो h की वैल्यू होगी, मतलब कि जो छोटा स्लाइड है, ठीक है, उसका मतलब कि जो छोटे बच्चों के लिए बनाए गए बिलो जो 5 ईयर चिल्ड्रंस होंगे उनकी एज के लिए कितना रखने वाला है, 3 मीटर का स्लाइड रखा जाएगा। तो ये जो h है एक्चुअल में, इसकी वैल्यू हमने पहले वाले की निकाली है, वो कितनी आएगी गाइस आपकी, दैट इज़ 3 मीटर। तो मैं यहाँ 3 मीटर लिख दे रही हूँ, ठीक है, बाकी का मैं इरेज कर देती हूँ। क्लियर हो गया आपको कि हमने पहले वाले की हाइट निकाली है, दैट इज़ 3 मीटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला है। अब आ जाते हैं हम लोग अपना सेकेंड, उस पर कि सेकेंड जो हमें निकालना है। तो देखिए सेकेंड वाले में उसने हमें लाइक इस तरह की फिगर है हमारे पास, है ना, पूरा इसी तरह की फिगर है। और इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है, ये देखो उसने जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो 3 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 3। और हमें क्या निकालना है, हमें h निकालना है, h निकालना है ना, हाइट निकालना है। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा लें साइन की, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा गाइस, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनस हो जाए। तो देखिए साइन जो है थीटा की वैल्यू करें तो साइन कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और जो है कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 3। और हाइपोटेनस कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको h लिख रही हूँ।
तो साइन 60 डिग्री अगर हम देखेंगे तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3/2, कितना होता है अंडर रूट 3/2, और ये कितना आ जाएगा गाइस आपका 3/h आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/h आ जाएगा, सॉरी ये h है। अब देखिए ये h इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आने वाला गाइस, ये h इधर पे आ गया और 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, और जो उसके साथ h के साथ अंडर रूट 3 जाएगा वो यहाँ पे नीचे ले आई मैं। और मैंने आपको लाइक लास्ट वीडियो में भी बताया था गाइस कि रैशनलाइजेशन करना होता है अगर आपको नीचे जो है अंडर रूट 3 मिले, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी h की वैल्यू इधर पे सॉल्व कर देती हूँ और ये हो जाएगा बेटा आपका 6 ओवर में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा कि नहीं होगा, है ना, और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 आएगा, रैशनलाइज हो गया। तो इसका मतलब ये कितना आ गया गाइस, ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 और आपके पास कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आएगा 3, इस 3 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा इस 2, और इसका मतलब कितना हो गया, ये आंसर आ जाएगा 2 और अंडर रूट 3, समझ में आ गया। तो बड़े की स्लाइड की बात करें गाइस तो वो कितना आने वाला है, मैं इसे इसका सीधे आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है। अगर बड़े की बात करूँ तो मेरा कितना आने वाला है गाइस, इसका आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 3, ठीक है। और अगर मैं छोटे की बात करूँ तो कितना आ जाएगा इस आपका, दैट इज़ ये आपके पास है, ठीक है। और सेकेंड की बात करूँ तो कितना आने वाला आपका, दैट इज़ जो है ओके इसका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3, ठीक है। तो छोटे वाले का जो कि बिलो 5 ईयर्स होंगे स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए स्लाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 3 मीटर, और जो क्या होंगे एल्डर वन होंगे उनके लिए कितना रखना हमने, दैट इज़ 2 अंडर रूट जो है 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।